गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल गदर 2 के बनने में 22 साल लग गए, लेकिन अब गदर 3 के लिए दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंबई में बीते दिनों ही फिल्म की सक्सेस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक अनिल शर्मा से पूछा गया कि गदर 3 कब आएगी। इस पर अनिल शर्मा ने कहा कि फिल्म के लेखक शक्तिमान को कहानी की तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है। वहीं इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देशक राहुल रवेल ने भी पहुंचकर सनी देओल की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। वह राहुल रवेल ने सनी को लेकर बेताब, अर्जुन, डकैत, योद्धा, अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। तो वहीं गदर 2 की सक्सेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जब सवाल का सिलसिला शुरू हुआ, तब उन्होंने एक फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट की, सनी डॉन, जिसके बाद ये साफ हो गया कि सनी देओल एक नई फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ गदर 3 में भी वो आपको दिखाई देंगे। वेल, आपको बता दें कि गदर 3 में जीते के बच्चे हो सकते हैं, यानी कि सनी देओल बन सकते हैं दादाजी, और ये कहानी 3 जनरेशन की होगी। वेल, आपको बता दें कि गदर 2 की एंडिंग के बाद लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यूड, जिसे साफ हो गया था कि गदर 3 भी जरूर आएगी और साथ ही साथ बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा धमाल भी मचाते हुए आपको नजर आने वाली है। फिल्म में पुरानी ही स्टार कास्ट होगी, लेकिन कुछ स्टार कास्ट नई भी होने वाली है। वेल, आपको बता दें कि गदर 2 ने भी इस वक्त काफी ज्यादा सक्सेस पाली है। कुछ दिनों पहले यह फिल्म रिलीज हुई है और ऐसे में अभी तक इस फिल्म का दबदबा बना हुआ है। खबरें हैं कि गदर 3 का बजट भी काफी ज्यादा शानदार होने वाला है और सनी देओल को गदर 3 में काम करने के लिए डबल फीस भी दी जाएगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इस मूवी पर आपका क्या कहना है और गदर 3 को देखने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।